अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लास, माय नेम इज़ इरशाद अफजल और आई एम बैक विद योर लेक्चर नंबर 12 फॉर द स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट। योर सब्जेक्ट नेम इज़ इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी एंड दिस सब्जेक्ट इज़ रिलेटेड टू द कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट BSCS एंड फॉर द सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स। ओके क्लास, BSCS ऑफ द सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए मैंने आप लोगों को लास्ट टॉपिक करवाया था, वो क्या है, मेयर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें हम लोगों ने सीखा कि आप लोग सेंट्रल वैल्यू या मेयर्स ऑफ लोकेशन कैसे फाइंड कर सकते हो। उसके लिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ एवरेजेस आपके पास होती हैं, जिसमें आप लोगों ने अनग्रुप डेटा के साथ मीन, मीडियन एंड मॉड निकालना सीखा। फिर उसके बाद आप लोगों ने ग्रुप डेटा के साथ डायरेक्ट मेथड के लिए आप लोगों ने अरिथमेटिक मीन भी फाइंड किया, और मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया कि डायरेक्ट मेथड के अलावा इनडायरेक्ट मेथड भी दो तरह के होते हैं, जिसमें हम लोग अरिथमेटिक मीन अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा के लिए निकाल सकते हैं। अब वो आप लोगों के पास जो दो मेथड थे जिसको मैंने बताया, एक आपके पास क्या था, शॉर्टकट मेथड, और एक आपके पास सॉर्टिंग मेथड था। चलें फर्स्ट हम लोग शुरू करते हैं शॉर्टकट मेथड के साथ। अनग्रुप डाटा के लिए हम लोग शॉर्टकट मेथड यूज़ करते हुए अरिथमेटिक मीन को सॉल्व कर सकते हैं। शॉर्टकट मेथड का आपका फॉर्मूला क्या होता है, x बार इज इक्वल्स टू a प्लस समेशन d ओवर n, वेयर d इज इक्वल्स टू x माइनस a। अब x माइनस a क्या है, बेसिकली एक डेविएशन होती है जिसमें आप लोगों ने x की हर वैल्यू को a वैल्यू में से सबट्रैक्ट करना होता है। लेट अज्यूम्ड वैल्यू a इज इक्वल्स टू 6। अब आप लोग वैल्यू को अज्यूम भी कर सकते हो कि a आपके पास 6 है, और इन मोस्ट केसेस आपके बुक्स में ये क्वेश्चन गिवन होता है, ये वैल्यू गिवन होती है। सो आप लोगों के पास एग्जांपल गिवन है, बोर्ड पे आपको शो हो रही है, जिसमें x की वैल्यूज हैं 3, 4, 5, 6, 7, और आप लोगों को कहा गया है कि शॉर्टकट मेथड के साथ आप लोगों ने अरिथमेटिक मीन को निकालना है। सो पहले आप लोग अनग्रुप डाटा के लिए अरिथमेटिक मीन को फाइंड कर सकते हैं। चूंकि आप लोगों के पास a जो है वो 6 के इक्वल है, x की वैल्यूज आपको गिवन है, तो आप हर x वैल्यू में से 6 को सबट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं a की जगह रेज करके लिख सकती हूँ 6। ओके, सो अब हर वैल्यू में से 6 को सबट्रैक्ट करते हैं। 3 माइनस 6 किया तो आपके पास आंसर आ गया -3। 4 माइनस 6 किया तो आंसर आ गया -2। 5 माइनस 6 किया तो आंसर आ गया -1। 6 माइनस 6 किया तो 0। 7 माइनस 6 किया तो 1। अब आपने क्या करना है, समेशन, क्योंकि आपके फॉर्मूले में समेशन d रिक्वायर्ड है, तो आप लोगों ने इस तमाम वैल्यूज का समेशन कर लेना है। सो 3, 2, 5, 1, 6 माइनस 6 प्लस 1, माइनस 6 प्लस 1 आपके पास हो गया -5। सो आप लोग समेशन d यहां पर लिखोगे -5। ओके, और फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दोगे। अब x बार आपके पास किसके इक्वल था, a प्लस समेशन d ओवर n, समेशन d आप लोगों के पास आ गया -5। तो a आप लोगों के पास ऑलरेडी मौजूद है, 6 के इक्वल है, समेशन d आप लोगों के पास आ गया -5, तो आप लोगों ने लिख दिया -5। n आप लोगों के पास क्या है, 5, 1, 2, 3, 4, 5, काउंट कर लें वैल्यूज को, 5। सो 5, 5 से कट हो गया, यहाँ पर आ गया 6 माइनस 1, तो आंसर आप लोगों के पास आ गया 5, x बार इज इक्वल्स टू 5। जस्ट सी, ओके, x बार की वैल्यू बिल्कुल करेक्ट आई, जो कि 5 के इक्वल है। सो इस तरह से हमने अनग्रुप डाटा में शॉर्टकट मेथड के साथ x बार को सॉल्व कर लिया। अब हम कोडिंग मेथड के साथ इसको सॉल्व करते हैं। कोडिंग मेथड क्या होता है ये भी देख लें। कोडिंग मेथड का फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल्स टू a प्लस समेशन u ओवर a, u ओवर n क्रॉस h, ठीक है, और जिसमें हमारे पास जो u होता है वो किसके इक्वल होता है, u इज इक्वल्स टू x माइनस a ओवर h। अब हम अज्यूम करते हैं a आप लोगों के पास ऑलरेडी 6 के इक्वल है, h आप लोगों के पास क्या होगा, इंटरवल देख लें, 3 से लेके 4 माइनस 3 किया 1, 5 माइनस 4 किया 1, 6 माइनस 5 किया 1, सो आप लोगों के पास h जो है यहाँ पर 1 के इक्वल है। सो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो u इज इक्वल्स टू x माइनस 6 ओवर 1, ओके। सो आप लोग जब u निकालोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा देख लें, x माइनस 6 ओवर 1 किया तो ये आप लोगों के पास सेम वैल्यूज आ जाएंगी, -3, -2, -1, 0 एंड 1, तो आंसर आपके पास समेशन u का आ जाएगा -5। अब आपने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देनी है x बार के लिए, a आपके पास 6 के इक्वल है, समेशन u आप लोगों के पास -5 आ गया, और
आपके पास n जो है वो ऑलरेडी 5 के इक्वल है, h आप लोगों के पास 1 के इक्वल है इंटरवल, ठीक है, इसको भी कट किया तो आपके पास आंसर आ गया 6-1 = 5। सो आप जो मर्जी मेथड यूज़ कर लें, डायरेक्ट मेथड यूज़ करें, इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करें, आपके पास अरिथमेटिक मीन का आंसर सेम आएगा, ठीक है। सो आप लोगों ने देख लिया अनग्रुप डाटा के साथ आप लोगों ने शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला यूज़ किया और कोडिंग मेथड का फॉर्मूला यूज़ किया, जिससे आपने लोगों ने अरिथमेटिक मीन निकाला, दोनों का आंसर सेम आ गया। ओके, अगर आप डायरेक्ट मेथड भी यूज़ करते हो तो डायरेक्ट मेथड भी यहाँ पे आपको बता देती हूँ। डायरेक्ट मेथड आपके पास क्या था, समेशन एक्स ओवर एन, तो समेशन एक्स ओवर एन में आप लोग क्या करते हो, तमाम वैल्यूज को ऐड करते हो, राइट। ये देखें एक्स की तमाम वैल्यूज को ऐड किया, समेशन एक्स, इसको डिवाइड कर दिया टोटल पे, टोटल नंबर्स पे, वो क्या है 5, तो आपके पास आंसर आ गया 5, यू कैन सी। सो डायरेक्ट मेथड के साथ भी आप लोगों के पास आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। ये था आप लोगों का शॉर्टकट मेथड और कोडिंग मेथड के साथ और डायरेक्ट मेथड के साथ अनग्रुप डाटा से अरिथमेटिक मीन को फाइंड करना। ये देखें आप लोगों ने दो मेथड कर लिए। अब मैं आपको बताती हूँ ग्रुप डाटा में ये आप लोग मेथड्स कैसे यूज़ कर सकते हो। क्लास, अब आप लोग क्या करने जा रहे हैं, आप लोग अरिथमेटिक मीन को ग्रुप डाटा करने जा रहे हैं। आप लोगों ने पीछे शॉर्टकट मेथड और कोडिंग मेथड पढ़ा, जिसमें अनग्रुप डाटा के लिए था। अब अरिथमेटिक मीन हम ग्रुप डाटा के लिए बाय शॉर्टकट मेथड पहले करेंगे, देन सेकंड हम लोग कोडिंग मेथड के साथ करेंगे। बहुत इजी है, बहुत आप लोग इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो पीछे आप लोगों ने शॉर्टकट मेथड पढ़ा, उसमें आप लोगों ने पढ़ा कि a प्लस समेशन t ओवर n, यहाँ पर x बार आपके पास इक्वल है a प्लस समेशन fd ओवर समेशन f। ओके जी, समेशन fd ओवर समेशन f है, जिसमें आप लोगों के पास जो डाटा गिवन है, एग्जांपल है, वो कुछ इस तरह से है। ग्रुप डाटा की एग्जाम्पल है, क्लास इंटरवल्स दी गई हैं 1 to 5, 6 to 10, 11 to 15, 16 to 20, 21 to 25, और उसके सामने उसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है। चूंकि जब इस तरह से डाटा होता है, आपको पता है ये कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ऐसे डाटा के लिए, ऐसे ग्रुप डाटा, इसको ग्रुप डाटा बोला जाता है। सो ऐसे ग्रुप डाटा के लिए आप लोगों ने क्या करना है, शॉर्टकट मेथड के साथ मीन को फाइंड करना है। सो सबसे पहले आप लोगों का काम क्या होगा कि आप लोगों ने, जैसे आपने पीछे डायरेक्ट मेथड में सीखा, एक्स को फाइंड करना है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो d होता है वो हमेशा x माइनस a के इक्वल होता है। मैं लिख के आपको बता दूं, डेविएशन हमारा हमेशा x माइनस a के इक्वल होता है। तो उसके लिए पहले रिक्वायर है कि हम लोग x का कॉलम बनाएं। x निकालने का तरीका क्या होता है, लोअर आपके पास जो लिमिट होती है और अपर जो लिमिट होती है, दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें। तो 1 प्लस 5 करेंगे, 5 + 1 = 6, 6 / 2, 2 × 3 = 6, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3, 6, 7, 8, 13, 18, 23, ओके, ये आप लोगों के पास x की वैल्यूज आ गई। अब चूंकि d हमने शॉर्टकट मेथड में, हमें d चाहिए, fd का समीशन चाहिए, तो d हमारे पास x माइनस ए के इक्वल होता है, तो हम एक और कॉलम बनाएंगे d का, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू x माइनस ए। ए आप लोग अज्यूम कर सकते हैं आपके पास x में से कोई भी एक वैल्यू, सो आप लोग x का ये कॉलम है, तो x में से कोई भी एक वैल्यू आप अज्यूम कर सकते हो। लेट अज्यूम 8, आपके पास a, आपके पास 8 हो गया। सो यहाँ पर आप लोग d का कॉलम बना लें, ठीक है। अब आपने क्या करना है, हर x वैल्यू में से आप लोगों ने जो 8 है उसको सबट्रैक्ट करना है। जब 3 - 8 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा -5, 8 - 8 करेंगे 0, 13 - 8 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5 + 5, 18 - 8 करेंगे तो 10 आ गया, ओके, 23 - 8 करेंगे तो आपके पास आंसर आ गया 15। देख लिया आप लोगों ने, डी का आपका कॉलम बन गया। जब डी का कॉलम बन जाएगा, एक और कॉलम आप लोग बनाओगे, वो कॉलम क्या होगा आप लोगों के लिए, एफ डी का, क्योंकि आपके न्यूमिरेटर में समेशन एफ डी रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर एक एफ डी का कॉलम बनाएं। एफ डी का कॉलम क्या होगा, इस डी के कॉलम और इस एफ के कॉलम को आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है। सो आप लोग कैलकुलेटर डायरेक्ट यूज़ करेंगे, कैलकुलेटर्स आप लोग क्लास परचेज कर लें,
ठीक है, साथ साथ में कैलकुलेटर्स परचेज करके अपने पास रखें, और कैलकुलेटर परचेज करके आप लोग सॉल्व भी करना सीखें। सो यहाँ पे आपके पास कैलकुलेटर है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कैलकुलेटर से सॉल्व कैसे करना है। जस्ट वेट अ मिनट, लेट मी एडजस्ट द कैमरा। आप लोगों ने क्या करना है, ये देखें, ये कैलकुलेटर है आप लोगों के पास। आप लोगों ने समेशन एफडी निकालना है, ठीक है। तो आप लोगों को पहले इस एफडी के कॉलम का सारा प्रोडक्ट चाहिए। तो पहले आपका प्रोडक्ट होगा माइनस फाइव क्रॉस एट, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आपके पास एट है, आप देख सकते हो। आप लोगों ने इक्वल की जगह पर प्रेस करना है एम प्लस के बटन को, ओके। आपके पास आ गया फर्स्ट आंसर माइनस फोर्टी, सो राइट हेयर माइनस फोर्टी, ओके। सेकेंड वन आपके पास क्या है, टू क्रॉस ज़ीरो, देख सकते हैं आप, टू क्रॉस ज़ीरो, तो वो ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा। थर्ड वन आपके पास क्या है, फाइव क्रॉस फाइव, तो आप लोग कैलकुलेटर पे टाइप करें। कुछ प्रोडक्ट्स आप लोग इजीली निकाल सकते हैं, जब आप लोगों के पास ऐसी सिचुएशन हो जिसमें आप नहीं निकाल सकते हो तब आप लोग ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हो। फाइव क्रॉस फाइव ट्वेंटी फाइव, सो राइट हेयर ट्वेंटी फाइव। 10 क्रॉस 1 इज इक्वल्स टू 10, बट चूंकि हम कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं सो कंटिन्यू विद दैट मेथड। 10 क्रॉस 1 10, ओके राइट हियर 10। देन 15 क्रॉस 4, ओके एंड इज इक्वल्स टू, अब आप लोगों ने क्या करना है, ये आपके पास 60 के इक्वल आ गया। अब आप लोगों को इस कॉलम का सम चाहिए, समेशन एफ डी चाहिए। तो लास्ट पर आप लोग लिखोगे समेशन एफ डी इज इक्वल्स टू इस तमाम कॉलम का सम। तो अब सम आप लोग डायरेक्ट क्या करोगे, कैलकुलेटर से यहाँ पर अल्फा का बटन प्रेस करोगे, यहाँ से एम प्लस का बटन प्रेस करोगे, इक्वल 55, देख सकते हो आपके पास आंसर आ गया 55 के इक्वल, यानी डायरेक्ट सम आ गया। इसको वेरीफाई भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है, करके देख लो। 20 प्लस 10 प्लस 60 किसके इक्वल गया, 60 प्लस 10 70, 70 प्लस 20 आपके पास इक्वल हो गया 70 प्लस 20 80, 90, 95, 95 माइनस 40, तो आपके पास हो गया 55, ठीक है। सो इसका मतलब हमारा सम करेक्ट आया है। सो अभी हम लोगों को एक और सम चाहिए समेशन एफ का भी, क्योंकि आपके फॉर्मूले में रिक्वायर है समेशन एफ डिनोमिनेटर में। तो आप लोगों ने क्या करना है, समेशन एफ भी निकालना है। समेशन एफ आप लोगों के पास इक्वल है 20 के, सो राइट हेयर इन द फॉर्मूला वैल्यूज सब्स्टिट्यूट की आपने वैल्यूज, ए आप लोगों के पास 8 के इक्वल है, समेशन एफ डी आप लोगों के पास 55 के इक्वल आया, समेशन एफ आप लोगों के पास 20 के इक्वल आया। आपने वैल्यूज लिख दी, 55 डिवाइड बाय 20 पहले किया, आंसर आ गया आप लोगों के पास 2.75। तो आप लोगों ने लिखा 8 प्लस 2.75, आप 2.75 में 8 को ऐड किया तो आंसर आ गया आप लोगों के पास 10.75। तो ये आपके पास x बार शॉर्टकट मेथड के साथ आ गया है, ओके। सो आप लोगों को होप सो आप लोगों को शॉर्टकट मेथड समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग करते हैं कोडिंग मेथड, ओके क्लास। सो आप लोगों को नज़र आ रहा है कि अब हम अरिथमेटिक मीन ग्रुप डाटा के साथ फाइंड कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने शॉर्टकट मेथड के साथ ऑलरेडी फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हमारा जो मेथड है वो है कोडिंग मेथड। कोडिंग मेथड का फॉर्मूला आप लोगों के पास बोर्ड पर डिस्प्ले है, जो मैंने राइट किया हुआ है। किसके इक्वल होता है, x बार इज इक्वल्स टू a प्लस समेशन एफ यू ओवर समेशन m क्रॉस एज। अब ये आप लोग अनग्रुप डेटा से पहले ही आप लोगों ने देख लिया कैसे सॉल्व करते हैं, अब ग्रुप डेटा में देखें कैसे सॉल्व करने हैं। अनग्रुप डेटा में f की टर्म नहीं होती है, समेशन u ओवर n होता है बस, लेकिन यहाँ पर समेशन एफ यू ओवर समेशन f आ जाएगा क्योंकि ये ग्रुप डेटा है। अब ग्रुप डेटा में u निकालने के लिए x माइनस a ओवर h हम लोगों ने u का फॉर्मूला लिखा, जो किसके इक्वल होता है, x माइनस a ओवर h के इक्वल होता है।
हम लोगों ने अज्यूम किया u इज इक्वल्स टू a, आप लोगों को पहले प्रीवियस ही एग्जांपल में बता दिया 8 के इक्वल है, h आप लोगों के पास किसके इक्वल है, चूंकि इंटरवल हमें चाहिए होता है तो 1 to 5, 6 to 10, आप देखोगे हर क्लास इंटरवल में आपके पास इंटरवल 5 का है, 1 से लेके 5 तक आपके पास 5 वैल्यूज़ आ रही हैं, 6 टू लेके 10 तक आपके पास 5 वैल्यूज़ आ रही है, 11 टू 15 आपके पास 5 वैल्यूज़ आ रही हैं, 16 टू 20 आपके पास 5 वैल्यूज़ हैं, 21 टू 25 आपके पास 5 वैल्यूज़ हैं। सो हर क्लास इंटरवल में आपके पास 5 वैल्यूज़ हैं, इट मीन्स आपके पास जो एज है इंटरवल वो 5 के इक्वल है। सो अब आप लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट आपका स्टेप होगा कि आप लोगों ने यू का कॉलम बनाना है, जिसमें आप लोगों ने लिखना होगा एक्स माइनस 8 ओवर 5। आपने ये करने के बाद इसको सॉल्व करना है, हर एक्स वैल्यू को आपने फाइंड करना है। लेट मी राइट इट क्लियर। ओके, सो अब आप लोगों ने यू का जो है वो कॉलम बनाना है। यू का कॉलम कैसे बनाओगे, एक्स में से 8 को सबट्रैक्ट करके 5 पे डिवाइड करते जाओगे। अब 3 माइनस 8 करते हो तो आपके पास माइनस 5 आता है, तो माइनस 5 ओवर माइनस 5 ओवर 5 इज इक्वल्स टू माइनस 1। 8 माइनस 8 करते हो तो 0 आता है, 0 डिवाइड बाई 5 0। 13 माइनस 8 करते हो तो 5 आता है, 5 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल्स टू 1। 18 माइनस 8 करते हो तो 10 आता है, 10 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल्स टू 2। 23 माइनस 8 करते हो तो आपके पास क्या आता है, लेट मी सी, 15 आता है, तो 15 डिवाइड बाई 5 किया तो आपके पास आंसर आ गया 3। ये आपके पास u का कॉलम बन गया। अब आपको चुके चाहिए सम चाहिए समीशन एफ यू ओवर समीशन एफ का, तो आप लोग एक और कॉलम यहाँ पर बनाओगे, वो होगा एफ यू का कॉलम। एफ यू का कॉलम का मतलब क्या है कि इस u के कॉलम और इस f के कॉलम को आपने मल्टीप्लाई करना है। सो 8 क्रॉस माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 8, 2 क्रॉस 0 इज इक्वल्स टू 0, 5 क्रॉस 1 इज इक्वल्स टू 5, 2 क्रॉस 1 इज इक्वल्स टू 2, 4 क्रॉस 3 इज इक्वल टू 12। ओके, अब इसको ऐड कर लें आप लोग, आप लोग अगर ऐड करते हो तो 12 टू 14, 14 1 15, 15 4 आपके पास हो गया 19, 19 में से 8 आपने सबट्रैक्ट किया तो आपके पास आ गया 11। सो समेशन एफ यू आपके पास आ गया 11। कैलकुलेटर से भी आप लोग कर सकते हो, फिर आप लोग देख लो। जब आप लोगों ने किया, यहाँ पर 12 था, 12 5 किया तो आप लोगों के पास आ गया 17, 72 17 और 2 किया तो 19 आ गया, 19 में से 8 को सबट्रैक्ट कर दिया तो आप लोगों के पास 11 आ गया। ये देखें आंसर, समीशन एफ यू इज इक्वल्स टू 11। समीशन एफ आप लोगों के पास किसके इक्वल है, 20 के इक्वल है। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करो, ए आप लोगों के पास इक्वल है 8 के, ये देखें ए, प्लस समीशन एफ यू इक्वल है आप लोगों के 11 और समीशन एफ इक्वल है 20 के। एच आप लोगों को पहले ही बता दिया गया है किसके इक्वल है, 5 के, तो मल्टीप्लाई कर दिया 5 के। अब आप लोग क्रॉस कर सकते हो, 5 4 ज़ा 20 होता है। ओके, सो 11 डिवाइड बाय 4 किया तो आपके पास आंसर आया है, कैलकुलेटर से करके देख लें, आपके पास आंसर आ गया 2.75। सो 8 प्लस 2.75 किया तो आपके पास आंसर आ गया 10.75। सो ये सेम वही आंसर है जो आप लोगों ने शॉर्टकट मेथड से किया। सो चाहे आप क्वेश्चन शॉर्टकट मेथड से कर रहे हो, डायरेक्ट मेथड से कर रहे हो या कोडिंग मेथड से कर रहे हो, आप लोगों के पास अरिथमेटिक मीन का आंसर सेम आएगा। ये बात आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गई। ये देख लें, एक व्यू देख लें कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया गया है। इसी तरह से आप लोगों ने अब बुक में जो ग्रुप बेटा के साथ अरिथमेटिक मीन है, कोडिंग मेथड के साथ, शॉर्टकट मेथड के साथ, वो आप लोगों ने सॉल्व हर हाल में करना होगा। सो मैं जो जो टॉपिक्स करवा रही हूँ, आप उनके क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओ। अब एक आप लोगों के पास शेर मोहम्मद चौधरी की बुक्स मौजूद होंगी, ठीक है। अब एक ओवरव्यू हम लोग बुक का भी कर लेते हैं कि बुक्स में कौन कौन से क्वेश्चन गिवन है, ताकि उसके अकॉर्डिंग आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करो। बहुत सारे टॉपिक्स हैं आप लोगों के, सो आप लोग इजीली इन क्वेश्चन को कर सकते हो। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, मुश्किल नहीं है, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है।
तो हम लोगों ने ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा के साथ मीन निकालना सीख लिया। अब ग्रुप डेटा के साथ आपको मीडियन और मॉड भी बता देती हूँ कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले बुक में देख लें क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। ये आप लोगों की बुक है, शेर मोहम्मद मिराजुद्दीन मिर्ज़ा की बुक है आप लोगों की, ठीक है। आप मिराजुद्दीन मिर्ज़ा की बुक को भी फॉलो कर सकते हो, डजंट मैटर। सो आप लोग देख रहे हो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 3.3 का बी पार्ट है। Find the mean for the following frequency distribution showing marks obtained by 100 students at a certain examination. So यहाँ पर आप लोगों को restriction नहीं की गई है कि आप लोगों ने जो है वो coding method के साथ mean निकालना है, या आप लोगों ने shortcut method के साथ निकालना है, या direct method के साथ निकालना है। So यहाँ पर आप लोग direct method use करके B part को solve कर सकते हो। So ये B part आप लोगों ने solve करना है। Okay, next question. सो आप लोगों का ए पार्ट देखो, 3.2 का ए पार्ट है। द रिएक्शन टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल टू सर्टेन स्टिमुलाई वर मेजर्ड बाय अ साइकोलॉजिस्ट एज 0.53। यहाँ पर कुछ डाटा दिया गया है। डिटर्मिन द मीन रिएक्शन टाइम ऑफ द इंडिविजुअल टू द स्टिमुलाई। तो आप लोगों ने इस डाटा की जो है मीन टाइम निकालना है। सो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर अरिथमेटिक मीन निकालोगे फॉर द अनग्रुप डाटा। नेक्स्ट आपके पास क्या है, द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट इन स्टैटिस्टिक्स आर 114। इफ 9 ऑफ द स्टूडेंट्स हैड मार्क्स दिस, व्हाट मस्ट बी द मार्क्स ऑफ द 10th स्टूडेंट। ओके, सो ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा देती हूँ। बी पार्ट इट इज़ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स क्वेश्चन। ये मेन का ही क्वेश्चन है, सो इस तरह के टेक्निकल क्वेश्चन भी आ सकते हैं। फिर देखें जरा क्वेश्चन पढ़ें। The average marks obtained by 10 students in statistics are 114. अब यहाँ पर average marks पहले बता दिए गए हैं, ठीक है। मैं इसको हाईलाइट करके आपको बताती हूँ, average marks बता दिए गए। तो average का मतलब क्या होता है, आपको पहले ही बता दिया फर्स्ट लेक्चर में कि मीन इसको कहा जाता है। सो इट मीन्स 10 स्टूडेंट्स का मीन आपको बताया गया, अरिथमेटिक मीन, जो किसके इक्वल है, 114 के इक्वल है। और जिसमें उसके बाद आप उनको आपको बताया जा रहा है कि इफ़ 9 ऑफ द स्टूडेंट्स, अगर इनमें से जो 9 स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स कुछ इस तरह से हैं, तो 10th स्टूडेंट का के मार्क को आप लोगों ने मालूम करना है। सो चले बोर्ड पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट, लेट स्टार्ट सॉल्विंग आवर क्वेश्चन। ये आपकी मिराजुद्दीन मिर्ज़ा की बुक है, जिसमें आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 3.2 का बी पार्ट। ए पार्ट आप लोग खुद सॉल्व करोगे। ओके, बी पार्ट में इन्फॉर्मेशन जो गिवन है पहले उसको हम लोग नोट करते हैं, ताकि आप लोग के लिए क्वेश्चन को समझना आसान हो जाए। जब भी आप मैथ के कोई क्वेश्चन कर रहे हो, सबसे पहले जो गिवन इन्फॉर्मेशन होती है उसके ऊपर थोड़ा सा हाईलाइट किया करें। फिर उसके बाद जो रिक्वायर्ड होता है क्वेश्चन में, जो आपने फाइंड करना होता है, उसको हाईलाइट किया करें, नोट डाउन कर लिया करें। सॉरी, हाईलाइट नहीं, नोट डाउन कर लिया करें। नोट डाउन करने के बाद फिर अपने क्वेश्चन के सोल्यूशन को देखा करें। अब देखें आपको क्वेश्चन में गिवन क्या था। उन्हें कहा आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन है द एवरेज मार्क्स इज इक्वल्स टू 114। कि आपको पहले से एवरेज मार्क्स बता दिए गए हैं, वो क्या है, स्टूडेंट्स के एवरेज जो है, यानी कि अरिथमेटिक मीन जो है वो 114 है। तो अरिथमेटिक मीन हमेशा एक्स बार के एक होता है, तो मैंने लिख दिया एक्स बार इज इक्वल्स टू 114। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जिसमें से 9 स्टूडेंट के ये नंबर हैं, 101 पहले स्टूडेंट के नंबर, 125, 118, 128, 106, 115, 99, 118 एंड 109। आप काउंट कर लेंगे 9 स्टूडेंट के नंबर आपको बुक में पहले से दे दिए गए क्वेश्चन में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। अब उन्होंने कहा इन नंबर्स को यूज़ करते हुए आप लोगों ने क्या करना है, इस तमाम इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए आप लोगों ने रिक्वायर्ड क्या है कि आपने 10th स्टूडेंट के नंबर को निकालना है, 10th स्टूडेंट के मार्क्स कितने होंगे ये आपने फाइंड करना है। सो सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। चूँकि आप लोगों ने देखा कि x बार हमेशा किसके इक्वल होता है, x बार का फॉर्मूला है समेशन x ओवर n के। तो आप लोगों ने लिख दिया दैट इज़ x बार इज इक्वल टू समेशन x ओवर n। अब इसमें आप लोगों के पास x बार का जो है वो वैल्यू पहले बता दी गई है, ये द एवरेज मार्क्स x बार 114 के इक्वल है। सो x बार की जगह पर आप लोगों ने 114 सब्स्टिट्यूट वैल्यू कर दी। फिर उसके बाद समेशन x तो हमें गिवन नहीं है, बट n बता दिया गया है, यानी 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स उन्होंने बताए हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं जिनके 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स की एवरेज
114 है, इट मींस n हमारे पास 10 के इक्वल है। सो इससे हम लोग सॉल्व करते हुए समेशन x को निकाल सकते हैं। 10 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 114 से जब 10 मल्टीप्लाई हुआ तो ये इक्वल हो गया 1140 के, जो कि समेशन x हमारे पास बन गया। हमारे पास टोटल समेशन एक्स तो हमारे पास आ गया 10 स्टूडेंट्स का, और 9 स्टूडेंट्स के नंबर उन्होंने दे दिए हैं कि अगर हम इन 9 स्टूडेंट्स के नंबर्स को ऐड करके टोटल समेशन में से सबट्रैक्ट कर दें तो 10th स्टूडेंट का नंबर हमारे पास आ जाएंगे जो कि रिक्वायर्ड है। तो अब हमारा नेक्स्ट काम क्या होगा कि हम एक समेशन एक्स वन फाइंड करें। आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो समेशन एक्स वन इज इक्वल्स टू 9th स्टूडेंट्स सम। यानी 9 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं उनका सम है समेशन x1 के इक्वल। तो समेशन x1 यहाँ पर लिखा और उसको फाइंड कैसे किया, कैलकुलेटर से। कैलकुलेटर पर टाइप करें ये 9 स्टूडेंट्स की वैल्यूज़ को, लेट्स टाइप और इसका समेशन निकालते हैं। सबसे पहला जो आपके पास सम है वैल्यू है वो क्या है, 101 प्लस देन वैल्यू है आप लोगों के पास 125, ओके देन वैल्यू आप लोगों के पास 118, then 128, then 106, then है आप लोगों के पास 115, 99, 118 plus 109, okay? इन तमाम वैल्यूज को ऐड किया तो आपके पास आंसर आया 1019। तो इसका मतलब 9 स्टूडेंट के मार्क्स का सम किसके इक्वल है, 1019 के इक्वल है। अब आपको 10th स्टूडेंट का सम चाहिए तो यहाँ पर आप लोग फाइंड कर सकते हो। टेंथ स्टूडेंट के मार्क्स चाहिए तो यहाँ पर लिखें 10th स्टूडेंट मार्क्स किसके इक्वल है, तो टोटल सम में से 9 स्टूडेंट के जो सम है उसको सबट्रैक्ट कर दिया तो टोटल सम आपके पास किसके इक्वल है, 1140 के। ये देखें जिसमें से 9 स्टूडेंट का सम को सबट्रैक्ट किया तो इक्वल आ गया 1019। सबट्रैक्ट करके आंसर आया, हम लोगों ने 1140 में से 1019 को सबट्रैक्ट किया, आंसर आ गया 121। ये देखें तो 10 स्टूडेंट के मार्क्स जो होंगे वो 121 है, ठीक है, समझ आ गई। ये आप लोगों के पास आंसर है जो आप लोगों ने लिख लिया। सो होप सो आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और लेक्चर को ऑन द गिवन शेड्यूल प्रैक्टिस करते रहें ताकि आप लोगों की कुछ क्वेरीज नहीं रहें। होप सो कोई क्वेरीज होंगी नहीं क्योंकि जिस वजह से मैंने आपको करवाया है, इंशाल्लाह आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन कोडिंग मेथड के साथ और शॉर्टकट मेथड के साथ प्रैक्टिस करें, मीन मीडियन मॉड अनग्रुप डाटा के साथ और मीन ग्रुप डाटा के साथ तमाम मेथड्स आप लोगों ने सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं। फिर आप नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको करवाऊंगी मीडियन और मॉड विद द ग्रुप डाटा।